नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इन ओरिजिनल देसी चूजों का ये 10 नंबर दिन है और ये सुबह का समय है। अभी मैं दोनों ब्रूडिंग रूम के चूजों को देख लेता हूँ कि ये चूजे स्वस्थ है कि नहीं। तो यहाँ भी देख लेता हूँ और साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ इन चूजों ने ये भूसी गंदा करके रखा हुआ है। यहाँ मुझे फिर से कुछ नया भूसी बिछाना पड़ेगा। तो इन चूजों को मैं एक बार देख लेता हूँ स्वस्थ है कि नहीं। यहाँ तो सभी चूजे स्वस्थ ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अभी मैं कुछ नया भूसी बिछाने वाला हूँ। नया और पुराना भूसी को मैं एक साथ मिक्स करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से दाना के बर्तन हटा देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैं अभी यहाँ नया भूसी बिछा रहा हूँ। नया भूसी बिछाने के बाद हमें इस तरीके से रैकिंग कर देना है ताकि नया और पुराना भूसी एक साथ मिक्स हो जाए और यहाँ जो गैस हुआ था वो भी बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ रैकिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ रैकिंग कर दिया है। तो यहाँ अभी मैं डिसइंफेक्शन स्प्रे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ भूसी में बीजाणु भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है। तो उसे ख़त्म करने के लिए मैं अभी चूजों के ऊपर और धान के भूसी के ऊपर ये डिसइंफेक्शन स्प्रे कर रहा हूँ। जब हम अच्छे से स्प्रे कर देंगे उसके बाद हमें फिर से इस तरीके से रैकिंग कर देना है। तो जहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज वाले चूजों को रखा हुआ है उस ब्रूडिंग रूम का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे ब्रूडिंग रूम को भी अच्छे से साफ कर देता हूँ। इस ब्रूडिंग रूम में धान के भूसी नहीं डालने से भी चलेगा क्योंकि ये अभी भी गंदा नहीं हुआ है। तो इसे मैं रैकिंग कर देता हूँ। मैंने यहाँ रैकिंग कर दिया है। अब मैं यहाँ भी डिसइंफेक्शन स्प्रे कर देता हूँ। मैं चूजों के ऊपर और धान के भूसी में ये डिसइंफेक्शन अभी स्प्रे कर रहा हूँ। और मैं जो डिसइंफेक्शन अभी यहाँ स्प्रे कर रहा हूँ उसका नाम है खरसोलिन। ये हम चूजों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और धान के भूसी के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ब्रूडिंग रूम को अच्छे से साफ कर दिया है। अब मैं इन्हें दाना पानी दे देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैंने इन्हें दाना दे दिया है और ये चूजे बहुत ही अच्छी तरीके से ये दाना खा रहे हैं। 10 नंबर दिन में भी मैं इन चूजों को स्टटर फीड दे रहा हूँ। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टटर फीड आता है वो मैं इन्हें दे रहा हूँ। अब मैं इस ब्रूडिंग रूम में भी चूजों को दाना पानी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इन्हें दाना दे देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैंने इन्हें भी दाना दे दिया है। अब मैं इन दोनों ब्रूडिंग रूम के चूजों को पानी पीने के लिए देने वाला हूँ। 10 नंबर दिन में इन चूजों को मैंने कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया है, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी देके रखा हुआ है। 6 नंबर दिन में इन चूजों को मैंने पहला वैक्सीन किया था और 6 नंबर दिन में मैंने इन चूजों को क्या वैक्सीन किया था, किस तरीके से किया था, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो साथियों इसी तरीके से मैं आप लोगों को इन चूजों के बारे में हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।